हाई गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज़ पूजा। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपके साथ कुछ अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट प्रोडक्ट, और इन सबका परचेजिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो इसमें सबसे पहला प्रोडक्ट है जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आई थिंक दिस इज़ मस्ट हैव प्रोडक्ट। अगर आपका कोई डीप नेक है तो उसमें अगर आप कुछ उस डीप नेक को हाइड करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं फ्रॉम अमेज़ॉन। एंड ये आपको इसमें सेट ऑफ टू है, इट्स इन वाइट एंड ब्लैक कलर। और इसमें क्या है, ये ऐसे दिया हुआ है, देन यू हैव इलास्टिक जो अपनी आप ब्रा की स्ट्रैप्स में लगा सकते हैं साइड में, एंड पीछे ये इस तरह के टच बटन्स दिए हैं। तो उसमें अटैच करके आप इस तरीके से यहाँ से, इसमें दो साइजेस दिए हैं, इधर अटैच करना है, इधर करना है, क्लोज करना है, तो आप कर सकते हैं इस तरीके से। ये बहुत काम का प्रोडक्ट है अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए, अगर आपके डीप नेक के लिए आपको कोई सोल्यूशन चाहिए, तो दिस इज़ मस्ट हैव प्रोडक्ट फॉर यू। एंड द क्वालिटी इज़ रियली नाइस। डिज़ाइन बहुत अच्छा है, दिखता हुआ बहुत प्यारा लगेगा। ऐसा नहीं कि कोई ऐसे सिंपल सा फैब्रिक है, बहुत लेसी लेसी डिज़ाइन है, बहुत ज़्यादा क्यूट। दोनों का सेम ही है, इट्स इन ब्लैक एंड वाइट कलर। आई थिंक इसमें और भी ऑप्शन आपको मिल जाते होंगे, आप चेक कर सकते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट जो मुझे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगा। नेक्स्ट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ स्किन केयर के। दिस इज़ वाओ एलोवेरा फेस वॉश, जो कि फॉर्मिंग फेस वॉश है। ये मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, मैंने फिर से लिया है। काफ़ी बड़ी बॉटल है। इस बार बॉटल का कलर मुझे थोड़ा सा लाइट लग रहा है, थोड़ी सी पैकेजिंग में इन्होंने चेंजेस किए हैं। इट्स फॉर्मिंग फेस वॉश, काफ़ी टाइम तक चल जाता है, और समर्स में तो ये जिस तरह के फॉर्मिंग फेस वॉश काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, और फेस वॉश करके बहुत ही रिफ्रेशिंग लगता है। तो ये फॉर्मिंग फेस वॉश है, इसको आप इस तरीके से ओपन करके यहाँ से प्रेस करते हैं, तो यहाँ से फेस वॉश आपका बाहर आता है, एंड देन यू कैन यूज़ इट लाइक दिस। इस तरह से आप फेस वॉश कर सकते हैं पानी लगाकर, तो बहुत इजीली हो जाता है, और सारा आपका जो पोर्स में मेकअप होता है, जो भी डर्ट होती है, वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है, तो वो काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाती है। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगती है मुझे, और एंड इट्स मेड इन इंडिया। इसमें आपको 50 ml एक्स्ट्रा मिलता है। इसका इफ़ आई टॉक अबाउट प्राइस, इट्स 399 rupees में आपको मिलता है 150 ml प्रोडक्ट टोटल। एंड इसमें एलो लीफ एलोवेरा है, हायलोरोनिक एसिड है, प्रो वाइटामिन B5 है, इट्स वेरी गुड फॉर योर स्किन। सभी स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट है, जो सभी हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये आपकी स्किन को ब्राइट और यंग दिखाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट आई हैव वाओ का ही एप्पल साइडर विनेगर ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइज़र, और ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मेरी जैसे मेरी ऑयली स्किन, ऑयली स्किन वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है मॉइस्चराइज़र की, क्योंकि एक्ने का इशू बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन ये मेरी स्किन पे बहुत अच्छे से सूट करता है। बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं लगता है, तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। बाकी जो स्किन टाइप है उनके साथ तो जाता ही है, सबसे ज़्यादा इशू रहता है ऑयली स्किन टाइप को, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे ये भी। इसका मैं आपको प्राइस बताती हूँ, इट्स 100 ml प्रोडक्ट जो आपको मिलता है 349 rupees में, लेकिन MRP पे ना मैंने हमेशा अमेज़ॉन पे देखा कुछ ना कुछ डिस्काउंट रहता है, तो आपको कम प्राइस में मिल जाता है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। बहुत लंबे टाइम तक चल जाता है। आप इसे अपने सनस्क्रीन के नीचे लगा सकते हैं, अपने मेकअप से पहले अप्लाई कर सकते हैं, आप डेली यूज़ में नहाने के बाद सुबह शाम जब भी फेस वॉश करते हैं तब आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मॉइस्चराइज रखना स्किन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको बताती हूँ ये क्या करता है, ऑयलीनेस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ स्किन को हाइड्रेटेड रखता है। ऐसा नहीं कि ऑयलीनेस को कंट्रोल करेगा तो स्किन ड्राई हो जाएगी, तो वैसा कुछ नहीं है। सो आई रियली लाइक इट, स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, पोर्स को क्लीन रखने में हेल्प करता है, एक्सेस सीबम को कंट्रोल करता है जो कि एक रीज़न होता है एक्ने का, स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। तो ये तो हुए स्किन केयर प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट आई हैव दुपट्टा जो बहुत ज़्यादा प्यारा लगा मुझे। एक वाइट दुपट्टा चाहिए था नेट का, और बहुत ही अफोर्डेबल है ये, बहुत कम प्राइस का मिल गया, तो सिंपल से आउटफिट को डिफरेंट लुक दे सकता है ये, और बहुत ही प्यारा सा ये नेट का, और उसके ऊपर ये लेसी लेसी डिज़ाइन दिया हुआ है, तो बहुत सुंदर लगा मुझे ये दुपट्टा, और बहुत लाइट वेटेड है और स्टाइलिश बनाएगा आपके आउटफिट को। कोई सिंपल सा आउटफिट है, कोई कुर्ती है, आप उसके ऊपर इसको डाल लीजिए ब्लैक कलर की या कंट्रास्ट में, तो बहुत ही प्यारा दुपट्टा है, बहुत लाइट वेटेड है, तो उसकी क्वालिटी एंड प्राइस वाइज तो बहुत ज़्यादा सही लगा। शॉप पे तो आई डोंट थिंक इस प्राइस में मिल जाते हैं, थोड़े दोनों साइड पे आप किसी भी साइड से इसको पहन सकते हैं। मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी इसमें, इसमें अच्छा एम्ब्रॉयडरी इसमें बोथ साइडेड है, तो आप किसी भी साइड से इसको डाल सकते हैं, तो इसमें और कॉर्नर्स पे इस तरीके के दिए हुए हैं ये डिज़ाइन, और इसकी एम्ब्रॉयडरी भी काफ़ी अच्छी है, नेट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। कुछ नेट बहुत हार्ड होती है, वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, तो ये बहुत ही सॉफ्ट सी नेट है। तो ये एक दुपट्टा है, और इसके बाद मेरे पास और एक दुपट्टा है, ये भी काफ़ी अफोर्डेबल है, इट्स इन पर्पल कलर, तो ये वॉयलेट पर्पल कलर का दुपट्टा है सिल्क का, एंड ये भी काफ़ी अफोर्डेबल था, बहुत ही सुंदर है। आप इसे भी अपनी कुर्ती के साथ, लहंगे के साथ अलग अलग तरीके से स्टाइल कर सकते हैं,
तो ये दुपट्टा भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है एंड द क्वालिटी इज़ रियली नाइस और अफोर्डेबल भी है, एक्सपेंसिव भी नहीं है। सो दिस इज़ नेक्स्ट दुपट्टा जो वेडिंग मस्ट हैव्स में हो सकता है आपको, क्योंकि बहुत सिंपल सी कुर्तीज़ को आप बहुत स्टाइलिश लुक दे सकते हैं, पार्टी वेयर लुक दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सच दुपट्टास। और हमेशा इन रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आज फैशन में है, कुछ चीज़ ऐसी होते हैं ना कल वो कल फैशन में नहीं होगी, तो वैसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट आई हैव एक स्कर्ट है मेरे पास जो लिए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। आप इस ये वाली स्कर्ट को भी बहुत सारे आउटफिट्स के साथ स्टाइल कर सकते हैं, स्कर्ट विद ब्लाउज, इसे वेस्टर्न लुक में भी आप स्टाइल कर सकते हैं एंड इंडियन लुक भी दे सकते हैं। तो बहुत अच्छी, बहुत हैवी है, पॉलिएस्टर टाइप का इसका फैब्रिक है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि डेलिकेट है, जो होता है ना एकदम रफ़ एंड टफ टाइप, कुछ फैब्रिक ख़राब नहीं होने वाला है, वैसा सा है। काफ़ी हैवी है, इसमें लाइनिंग भी हैवी दी हुई है और इसके घेर देखिए कितने ज़्यादा हैवी हैं, तो बहुत हैवी है ये पूरा। आप इसको ओपन करेंगे ना पूरा ये सर्कल बन जाएगा, बहुत ज़्यादा हैवी है। इसमें प्लीटेड डिज़ाइन दिया हुआ है एंड इसमें लाइनिंग भी आपको मिल जाती है, काफ़ी हैवी इसमें आपको लाइनिंग भी मिलती है और काफ़ी हैवी लुक है इसका। अगर आप विदाउट कैन भी पहनना चाहते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा हैवी, आप इसे स्टाइल कर सकते हैं। तो ये स्कर्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी और अगर इसे आप और हैवी लुक देना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने मंगाया है ये कैन, जो क्या होता है जब हम लहंगे या गाउन में कुछ कैन लगवाते हैं, सुंदर बहुत लगता है पर फिर उनको स्टोरेज का काफ़ी प्रॉब्लम आता है। तो उसका सॉल्यूशन मुझे ये लगा कि आप अलग से कैन ले लीजिए, दो कलर्स में ले लीजिए, ब्लैक एंड वाइट। डार्क कलर के आउटफिट्स के साथ ब्लैक चला जाएगा, लाइट के साथ वाइट जाएगा, तो बहुत आपका एकदम ये आपके लिए सॉल्यूशन है क्योंकि हैवी लुक ना बहुत अच्छा लगता है। तो आपको हर आउटफिट में कैन लगवाने की ज़रूरत नहीं, एक तो आपकी स्टिचिंग सस्ती पड़ेगी, दूसरा आपको स्टोरेज का प्रॉब्लम नहीं होगा। कैन लगने के बाद जस्ट इमेजिन हर आउटफिट इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, उसके लिए आप अलग से कैन ले सकते हैं। तो ये एक कैन वाली स्कर्ट है जो आप नीचे पहनकर, काफ़ी हैवी लगती है ये स्कर्ट इसके अंदर जब आप कैन पहनते हैं, तो बहुत प्यारा है ये, जो मल्टीपर्पज़ है, बहुत सारी चीज़ों के साथ जाती है। अनारकली कोई ड्रेस है, स्कर्ट है, लहंगा है, सबके साथ ये जाएगी, बहुत अच्छी लग रही है ये भी। क्वालिटी इज़ ऑल्सो नाइस, इसमें और भी कलर्स आते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। ये भी मुझे काफ़ी काम का प्रोडक्ट लगा। मैंने एक बार सोचा था कि मैं ऐसे ना कैन स्कर्ट स्टिच करवा लेती हूँ, पर आपको रेडीमेड मिल गए तो फिर स्टिच करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये चीज़ भी मुझे मस्ट हैव लगी। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ऐसी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल और इन सब का परचेसिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।